एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में बढ़ी रूसी नेवी की हलचल। ब्लैक सी में रूसी किलो क्लास सबमरीन चक्कर लगाती हुई दिखाई दी। सैटेलाइट इमेज में दिखे रूसी युद्धपोत सबमरीन। ब्लैक सी में रूस की 4 किलो क्लास सबमरीन मौजूद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा के बीच रूसी नेवी की ब्लैक सी में हलचल बढ़ गई है। ब्लैक सी में सेवस्तोपोल के करीब रूस के युद्धपोत और सबमरीन चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में रूस ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल 2 सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में रूस की किलो क्लास सबमरीन को चक्कर लगाते देखा गया। इस समय रूस की 4 किलो क्लास सबमरीन ब्लैक सी में मौजूद है। इन सबमरीन में रूस यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागता रहा है। किलो क्लास सबमरीन का इस्तेमाल रूस सेवस्तोपोल और नोवोरोसिस्क से मिसाइल हमले में करता रहा है। सैटेलाइट इमेज में सबमरीन को रैप्टर असॉल्ट बोट और एक हेलीकॉप्टर स्कॉर्ट करते देखे गए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऐसा यूक्रेन के यूएसवी यानी कि समुद्री ड्रोन से बचाने के लिए किया गया। रूस की नेवी ब्लैक सी में सक्रिय हुई है, वैसा पिछले कई हफ्तों में नहीं देखा गया। ये साफ नहीं है कि इसके पीछे रूस का मकसद क्या है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा की प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं। मुमकिन है कि जल्द ही यूक्रेन पर कुछ और कैलिबर मिसाइल हमले देखने को मिले। पर यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस को ज्यादा नुकसान का दावा। रूसी सैनिकों की मौत को लेकर आई नई रिपोर्ट, सबसे ज्यादा रूसी सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। रिपोर्ट का दावा है रूस के करीब 1576 अधिकारी मारे गए। रूस यूक्रेन जंग को कल 10 महीने हो जाएंगे। 300 से ज्यादा दिनों से जारी इस जंग में आम नागरिकों के साथ साथ दोनों तरफ के सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन पहले दिन से यह खबर आ रही है कि जंग के मैदान में सबसे ज्यादा नुकसान रूस को हुआ है और पुतिन के सबसे ज्यादा सैन्य अधिकारी मारे गए। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जंग में रूस के करीब 1576 अधिकारी मारे गए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर कैप्टन और कर्नल भी शामिल हैं। दावा है कि जंग के मैदान में रूस के 2 लेफ्टिनेंट जनरल की मौत, 8 मेजर जनरल, 49 कर्नल, 109 लेफ्टिनेंट कर्नल, 216 मेजर, 308 कैप्टन, 519 सीनियर लेफ्टिनेंट, 264 लेफ्टिनेंट की मौत हो चुकी है। यानी कि रूस ने अपने टॉप ऑफिसर खो दिए हैं। ये वो अधिकारी थे जो जंग की स्ट्रेटजी से लेकर उसे जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार थे। रूस यूक्रेन जंग में रूस के हजारों सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा कई बार आ चुका है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपने सैनिकों को भी खोया है। इतने नुकसान के बावजूद पुतिन अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं और जंग बदस्तूर जारी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।